नमस्कार दोस्तों, जॉब अले बाबा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इंटरव्यू के आधार पे होगी आपकी क्या होगी, बनेगी मेधा सूची और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन होगा, जो इंटरव्यू के अंकों के आधार पे जो इसका होगा मेधा सूची आपको बनेगा। तो बताया जा रहा है यहाँ देखिए, राज्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन अब इंटरव्यू या मेधा सूची के आधार पर होगा। इसके चयन के लिए अब आम सभा की जरूरत नहीं रहेगी। अगले कुछ दिनों में 5,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन इसी फार्मूले पर लागू किया जाएगा। नियुक्ति के पहले प्रमाण पत्रों की जांच को अनिवार्य किया गया है और रामसभा की प्रक्रिया धांधली की शिकायतें अधिक करने का समाज कल्याण विभाग ने फैसला लिया है। अभी चयन में LS का महत्वपूर्ण यानी कि सेविका चयन सब पहले CDPO की भूमिका महत्वपूर्ण थी, पर जब CDPO पूर्व चयन में धांधली का आरोप लगे तो इसकी जिम्मेदारी लेडी सुपरवाइजर LS को दी गई, लेकिन इसकी निगरानी को लेकर विभाग संतुष्ट नहीं है। विभाग का मानना है कि LS के कामकाज की निगरानी नहीं होती, अधिकारियों के साथ बैठक कर भी नहीं होती, उसके काम संदेह के करें, इसलिए कामकाज का जो है आपको बताया जाए तरीका बनाया जा रहा है और एक तरीका बनाया जाए जिससे कि वह इसको लेटेस्ट अपडेट इसी तरह का आपको विभाग को मिलता रहेगा। और वह जो बताया जा रहा है कि लगभग 5,000 सेविका सहायिका की नियुक्ति होने वाली है। राज्यभर में 1,14,000 जो आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है, लेकिन अब वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। विभाग के मुताबिक अभी भी सेंटरों को नियमित चलाने के लिए देखिए यहाँ पे 5,000 सेविका सहायिका की बहाली होने वाली है। और लेकिन इस आम सभा के विभाग का कार्यपालक जो काज की शिथिलता के कारण चयन प्रक्रिया के रफ्तार काफ़ी धीमी है। देखिए आम सभा की प्रक्रिया होगी खत्म, जो आम सभा लगाकर सेविका सहायिका का चयन किया जाता है उसको खत्म किया जाएगा। बीमा प्रमाण पत्रों की जाँच की नहीं मिलेगी नियुक्ति, जन प्रमाण पत्रों की जो जाँच होगी और 5,000 जो नई सेविका सहायिका का होना है चयन, तो इसी के आधार पर मेरिट के आधार पर अब चयन होगा। जो पहले CDPO और इसके माध्यम से होता था, जो बाल विकास परियोजना पर अधिकारी थे उनके माध्यम से होता था, तब उसके बाद LS को दी गई, जो लेडीज सुपरवाइजर उसको दी गई, लेकिन अब उसमें भी कुछ खामियां सरकार को नज़र आने लगी है जिससे कि उसको भी अब हटाया जा रहा है। और आम सभा की भूमिका के कारण हो रही थी धांधली। समीक्षा में बताया गया कि विभागीय मंत्री मदन सहनी के इनके चयन में अभी जगह सभी जंगलों पर जो भी सभी जगह हैं धांधली हो रही है और आम सभा में सभी अपने लोगों का चयन कराना होता है। ऐसे में मेरिट लिस्ट में सभी सही आवेदक नहीं आते हैं, इसलिए जरूरी है कि आम सभा की भूमिका को खत्म कर अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट को बनाया जाए और इंटरव्यू के बाद चयन की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जॉब वाले